हाँ, मैं जानता हूँ, थोड़ा बहुत लेट हो गया, क्या करूँ, एग्जाम चल रहा है, मैंने कॉमेडी पोस्ट में तुम्हें बता दिया था। कैसे, चलो बढ़ते अपने डीमंस लेके एपिसोड नंबर 6 के हिंदी एक्सप्लेन वीडियो की तरफ, जिस एपिसोड का नाम है आंची गोना बिकमा हाशिरा, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि अपना तांजिरो काफी शौक हो चुका है, उसने गैन्या का डीमन रूप देख लिया है। फिर तभी हम देख पाते हैं कि तांजिरो के साइड से जो डीमन है वो काफी ज्यादा रो रहा है, वो पेन में है, एंड वो कह रहा है कि मैं रीजनरेट नहीं हो पा रहा हूँ। तभी जो सेकिडो होता है वो उसको कहते हैं कि तुम हो पाओगे, बस तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा। तभी तांजिरो को रियलाइज होता है कि अगर वो उन चारों को एक साथ काट दे तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। उसको लगा कि जैसे उसने ग्यूटारो काटा वैसे इनको भी काटेगा तो ये लोग मर जाएंगे। तभी अपना जो तांजिरो भागते नेजुको के पास जाता है एंड फिर वो नेजुको को बचाता है। वो बचाते ही अपने माइंड में सोचता है कि कुछ तो गलत है, मैंने इनको इनके वाइटल स्पॉट्स में मारा तब भी ये लोग जिंदा बचे हुए हैं, इनकी सेंट भी काफी अलग है। एंड तब तांजिरो को सेंट से फील हो जाता है कि यहाँ पे कोई फिफ्थ डीमन भी है जो अभी तक छुप के बैठा हुआ है। तभी जो गैन्या होता है वो काफी तेजी में तांजिरो का गला पकड़ता है एंड कहता है ये सारा एडवांटेज सारा क्रेडिट तुम नहीं लोगे, मैं ही हूंगा जो अपर सिक्स डीमन को मारूंगा। तब जो तांजिरो होता है वो कहता है कि गैन्या आराम से तुम मेरा गला दबा रहे हो। तभी गैन्या जो होता है उसका गला और तेजी में दबा के कहते हैं कि मैं ही हाशिरा बनूंगा। तभी तांजिरो काफी क्यूट सा फेस बना के कहते हैं कि हाँ तुम ही हाशिरा बनोगे, नेजुको और मैं हम दोनों ही तुम्हें सपोर्ट करेंगे। जहाँ पे फिर अपना तांजिरो जो उसको ये भी कहता है कि गैन्या एक और फिफ्थ डीमन है जो छुप के बैठा हुआ है, तुम उसको जल्दी जाके मारो, तब तक मैं बाकी डीमन को संभालता हूँ। तभी अपना गैन्या जो है अपने तांजिरो को क्यूट सी फेस पे जो पिघल रहा होता है उतने में सेकिडो इन दोनों पे ही हमला कर देता है। तभी अपना जो तांजिरो होता है वो फिर गैन्या को कहता है कि मैं फिफ्थ डीमन को ढूंढने जा रहा हूँ, जैसे मुझे पता चलेगा मैं तुम्हें बता दूंगा, तब तक तुम बाकी डीमन को संभालो। एंड तभी जो गैन्या होता है काफी गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो देख पाते कि चारों डीमन वापस से रिवाइव हो चुके हैं एंड फिर नेजुको उसकी हेल्प करते हैं। जहाँ पे अपना तांजिरो उसको कहता है कि गैन्या ये मेरी बहन है, इसका गला मत काट देना। तभी अपना तांजिरो निकल जाता है फिफ्थ डीमन की तलाश में, उतने में देख पाते कि नेजुको और जो विंड डीमन है वो दोनों लड़ाई कर रहे हैं। तभी जो विंड डीमन है वो अपनी एक हवा छोड़ता है फैन से, जिस वजह से जो वहाँ की सारी हवा गायब हो जाती है, वहाँ पे जो सल्फर की हवा आ रही थी बाढ़ टप की वो हट जाती है, जो कि तांजिरो को काफी बड़ा एडवांटेज मिलता है। फिर तभी अपना जो तांजिरो होता है वो कंसंट्रेट करता है, उसके बाद उसको फील आ जाती है सेंट जो की होती है हांगटेंगो की, जो की पीछे बैठा हुआ होता है। जहाँ पे हमें दिखाया था कि चुपचाप बैठा हुआ डरा हुआ है, वो रो रहा है एंड वो चाहते हैं कि उसके बाकी के चारों इमोशन इन सब का खेल खत्म कर दे। फिर तांजिरो उस डीमन की तरफ भागने वाला होता है, तभी सेकिडो उसको देखता है और उरोगी को कहता है कि जाओ जाके इस पे हमला करो। तभी तांजिरो से लड़ना शुरू करता है एंड गैन्या को वो कहता है कि तुम्हें नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाना है एंड फिर वो बताता है कि डीमन वहीं पे छुपा हुआ है। तभी अपना सेकिडो होता है वो इलेक्ट्रिक लाइटनिंग मारता है, उसके बाद फिर वो जैसे करके बच के भाग जाता है। गैन्या उस तरफ चला जाता है, वहीं पे अपना जो तांजिरो होता है वो उन बाकी डीमन से लड़ना शुरू कर देता है। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उससे एक और बार डीमन फैन से वार होता है, वो पीछे की तरफ गिर जाता है। तभी जो सेकिडो होता है उस पर इलेक्ट्रिक वार करने वाला होता है, उतने अपनी नेजुको उसको रोकने के लिए आती है। तभी जो एजेत्सु होता है वो अपनी एक स्पियर जो होता है नेजुको की पूरी बॉडी की आर पार कर देता है। जहाँ पे फिर हमें सीन छोड़ के दिखाया जाता है मिस्ट हाशिरा एंड गियोको की फाइट, जहाँ पे गियोको काफी ज्यादा हंस रहा होता है कि उसने एक वाटर बबल में टैप कर दिया था अपने हाशिरा को एंड वो उसको बार बार चिढ़ा रहा होता है, उसको कहता है कि क्या हुआ निकल नहीं पा रहे क्या, और मतलब काफी ज्यादा उसको गलत बोल रहा होता है। फिर तभी मैं वापस से सीन छोड़ के नेजुको के सीन में लाया जाता है, जहाँ पे फिर जो एजेत्सु होता है वो जो है अपनी नेजुको को कहता है कि तुम ज्यादा मत हिलो, तुम्हें देख के मुझे काफी ज्यादा दुख हो रहा है। ये सब देख के सेकिडो कहता है कि अब नेजुको का गेम खत्म कर ही देते हैं। तभी वो जैसी अपनी इलेक्ट्रिक बोल्ट से हमला करने वाला होता है, तभी अपना जो तांजिरो होता है उसका हाथ काट देता है एंड फिर वो उरुगी के साथ भी ऐसी करता है। ये सब देख के जो सेकिडो होता है उसको रियलाइज होता है कि तांजिरो पहले से काफी ज्यादा तेज हो चुका है, उसके रिफ्लेक्सेस एंड स्किल्स जो है पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव हो रहे हैं, वो एकदम काफी तेजी में मूवमेंट दिखा रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो नेजुको होती है वो एजेत्सु के बाल पकड़ती है, उसको अपने पास लाती है, उसके बाद अपनी डीमन फायर से उसको जलाना शुरू कर देती है। यहाँ पे हमें फिर दिखाया जाता है कि तांजिरो जो है अपने उरुगी के पास आ रहा है, तभी जो उरुगी है वो अपने फैन से तांजिरो को एकदम जमीन पर गाड़ देता है। तांजिरो चिल्ला के गैन्या का नाम लेता है एंड बताता है कि तुम्हें किस तरफ किस डायरेक्शन पे जाना है एंड गैन्या उसको फॉलो करते हुए जाता है, सर्च करता है कि वो फिफ्थ डीमन कहां पर मिलेगा। जहां पे अपना तांजिरो पिटते हुए गैन्या को बता रहा होता है कि उसको किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं। फिर तभी अपना तांजिरो गैन्या को कहता है कि तुम नीचे की तरफ देखो, जहां पे अपना गैन्या नीचे देख के काफी ज्यादा शौक हो जाता है, वो देखते हैं कि जो फिफ्थ डीमन है इतना ज्यादा छोटा हो रखा है। जहां पे टिन्ना सा मॉन्स्टर जो होता है गैन्या को देख के डर के मारे आगे की तरफ भाग रहा होता है, वही गैन्या शौक में होता है, वो उसको जो है गन से हमला करता है लेकिन वो बच के आगे की तरफ भाग रहा होता है। तभी गैन्या इसको पकड़ते रियलाइज करता है कि इसको मारना तो चूहे जैसा है, कितनी चूहे वाली हाइट का, इसके बाकी के जितने भी रूप है वो काफी ज्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग है और ये इतना टिन्ना सा और वीक है। तभी जो गैन्या होता है वो ये सोचता है कि क्या इसी दिन के लिए उसने डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन करा कि उसको एक नन्ना सा चूहे बराबर मॉन्स्टर मारने को मिलेगा। तभी जो गैन्या होता है वो जैसी अपनी स्वॉर्ड से उसकी नेक को काटने वाला होता है, जैसी उसकी नेक उसकी स्वॉर्ड से कॉन्टेक्ट में आती है तभी उसकी स्वॉर्ड जो टूट जाती है, ये देख करके गैन्या काफी ज्यादा शौक हो जाता है। फिर गैन्या जो होता है अपनी बंदूक से उस पर हमला करता है एंड वो तब भी जो है बचा रहता है। तभी अपना गैन्या सोचता है कि ये उंगली बराबर नन्ना सा कीड़ा जो है मेरी स्वॉर्ड को तोड़ गया। तभी अपना जो गैन्या होता है रियलाइज करता है कि पीछे जो सेकिडो है वो अपनी जो है पावरफुल मैजिक वॉन्ड लेके आ चुका है और उसको मारने वाला है, उसका गला काटने वाला है। तभी अपना गैन्या जो होता है रियलाइज करता है, कहते हैं कि आज ही वो दिन है जिस दिन वो मरने वाला है, उसको तो हाशिरा बनना था ताकि वो बड़ा होकर के हाशिरा बन करके अपने भाई से माफी मांग सके जो उसने उस दिन कहा था। फिर तभी हमें एंटायर सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है गैन्या के बचपन की लाइफ की, कैसे वो यहाँ पे डीमन स्लेयर बना, कैसे उसने जो कसम खा ली कि वो हाशिरा बन के रहेगा। जहाँ पे अपनी मम्मी के बारे में डिस्क्राइब करते हैं कि मेरी मम्मी थी जो सुबह से शाम नॉनस्टॉप काम करती थी, काफी कम एज में
उनकी हाइट काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी, मैंने कभी उनको सोते हुए नहीं देखा था। फिर अपने पापा के बारे में बताता है जो किसी काम के नहीं थे, हर बार उसको और उसकी मम्मी को बेफजूल का मारते रहते थे। जहाँ पे वो बताता है कि उसके फादर का भी जो गेम खत्म कर दिया था, किसी ने अपनी शर्ट को लेकर उनको स्टैप कर दिया था। गेम खत्म वर्ड मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता मैं वैसे वर्ड यूज करूँ जिससे यूट्यूब जो है काफी ज्यादा गुस्से में आ जाए। एंड फिर वो बताता है कि वो आदमी जो गुड फॉर नथिंग था, एंड वो अपने पापा को यहाँ पे एज अ मॉन्स्टर डिस्क्राइब कर रहा है। बताता है कि उसकी मम्मी जो काफी ज्यादा प्रोटेक्ट करती थी उनको जब भी उनके फादर उनको मारते थे। जहाँ पे फिर हमें दिखाया था कि अपना जो गैनियन था उसको नींद नहीं आ रही थी, तभी वो जो अपने भाई को उठाता है, कहते हैं कि भाई मम्मी अभी तक नहीं आई है, काफी रात हो चुकी है। तभी उसका भाई कहता है कि ठीक है मैं जाकर के चेक करके आता हूँ। तब गैनिया कहते हैं कि मैं आपके पीछे आऊंगा, जहाँ पे अपना जो ब्रदर होता है उसका वो मना कर देता है उसको। तभी जो गैनिया का भाई होता है गैनिया से कहता है कि तुम यहीं रह के अपने भाई बहनों का ध्यान रखो, तब तक मैं मम्मी को ढूंढ के यहाँ पे लाता हूँ। तभी वो देख पाता है कि उसके जितने भी भाई लोग हैं वो उसको बुला रहे हैं, एंड वो देख पा रहे हैं कि वो लोग अभी तक सोए नहीं है, इतनी रात हो चुकी है तब भी वो लोग उठे हुए हैं। वो सारे भाई बहन अपनी मम्मी का इंतजार करते हैं, तब तक वो गैनिया के साथ ही रहते हैं। जहाँ पे गैनिया लाइट जला के अपने भाई बहनों के साथ होता है, उसने अपना छोटा भाई अपने हाथ में पकड़ा होता है एक, एंड वहाँ पे उसकी छोटी बहन कहती है कि मम्मी को कभी भी इतनी ज्यादा देरी आज तक नहीं हुई है, अब तो सूरज भी उगने वाला है, जल्दी करना होगा मम्मी को। और उसके बाद फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि उनके दरवाजे पे कोई औरत आई है। उसके सारे सिबलिंग्स जो होते हैं प्यार से मम्मी मम्मी करते वहाँ पे जाते हैं, कहती है कि पक्का हमारी मम्मी आ चुकी। तभी अपना जो गैनिया होता है उनको कहते हैं कि नहीं वहाँ पे मत जाना। जहाँ पे गाइस हमें दिखाया जाता है कि वो औरत दरवाजा तोड़ते हुए आती है, उसके जितने सिबलिंग होते हैं वहीं पे ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। एंड फिर वो जो चीज होती है भागते गैनिया की तरफ भी वार करते हैं, पीछे हो जाती है। उसके बाद गैनिया की तरफ जैसी हमला करने वाली होती है, उतने में गैनिया का बड़ा भाई उस चीज को पकड़ करके बाहर भाग जाता है, कहता है कि गैनिया तुम यहाँ से भागो। गैनिया को समझ नहीं आता कि वो कुत्ता था या भेड़िया था या क्या मॉन्स्टर चीज थी, इतने अंधेरे में उसको वो चीज दिखाई नहीं देती है। फिर तभी अपने सारे सिबलिंग्स को देखता है, काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि उन सभी की मौत हो चुकी है, उन सबका काफी ज्यादा खून निकल रहा है, वो उनको संभाल नहीं पा रहा है। फिर वो देखता है कि उसके हाथ में जो उसका भाई था वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। वो काफी ज्यादा डर जाता है, डर के मारे भागते हुए जाता है, एंड वो डॉक्टर को बुलाने की कोशिश करता है। जहाँ पे फिर वो देख पाता है सामने कि उसका जो बड़ा भाई है उसकी पूरी बॉडी जो है खून से लदी हुई है, और उसके हाथ में एक नाइफ टाइप का भी है। एंड वो देख पाता है कि उसकी मॉम जो है पूरी खूनम खून हो चुकी है, उसकी मॉम जो है जलना शुरू हो चुकी है जैसे डीमन जलते हैं। इस समय साफ प्रूफ होता है कि गैनिया की मॉम जो है डीमन थी। एंड गैनिया ये सब चीज देख के काफी ज्यादा रोता है, अपनी मम्मी को पकड़ता है, अपने भाई को कहता है कि तुम मर्डरर हो, मर्डरर हो। एंड सच बता रहा हूँ यार, ये सीन देख के इतना ज्यादा मुझे रोना आया ना कि भाई मैं बता नहीं सकता भाई मुझे क्या हो गया था, लिटरली बता नहीं सकता मैं। वेल स्टोरी की तरह बढ़ जहाँ पे गैनिया जो होता है प्रेजेंट सीन में लाया जाता है, एंड वो गैनिया जो होता है अपनी स्टोरी नरेट करते हुए बताता है कि वो भी अपने सारे भाई बहनों के साथ आ रहा है। एंड वो बताता है कि अंधेरे में जिसने वुल्फ देखा था, वुल्फ नहीं वो उसकी एक्चुअली में मॉम थी, एंड उसका भाई जो उन सभी को प्रोटेक्ट करा था वहां से। एंड वो कहते हैं कि उसकी बहुत बड़ी गलती थी जहाँ पे उसने अपने भाई को मर्डर कहा, असल में वो अपने ही भाई बहनों को बचा रहा था लेकिन उसने उसको मर्डर कह दिया। एंड वो कहते हैं कि अब मेरा टाइम आ चुका है, मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन मुझे अपने भाई को एक बार लाइफ में सॉरी बोलना था, एंड हमें अपना प्रॉमिस याद रखना है। जहाँ पे गैनिया और उसके भाई का सीन दिखाया था जहाँ पे वो दोनों ही मार्केट से घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पे उसका जो बड़ा भाई होता है कहते हैं कि गैनिया हमारे फादर तो नहीं रहे, हमारे घर वालों को काफी ज्यादा अकेलापन महसूस हो रहा होगा, एंड मैं चाहता हूँ कि हम दोनों प्रॉमिस करते हैं, हम दोनों आज से जो है अपने घर को पालना शुरू कर देंगे, एंड हम दोनों अपने घर का एक पिलर बन के दिखाएंगे। फिर अपना गैनिया कहते हैं कि ठीक है अभी से बनना पड़ेगा, आज से बनना पड़ेगा। ये सब सुन के अपना जो गैनिया का बड़ा भाई होता है काफी ज्यादा मुस्कुराता है। फिर तभी गैनिया जो है नरेट करता है स्टोरी, एंड वो कहता है कि वो जो मेरे भाई की मुस्कुराहट थी मुझे आज भी वो याद है। यहाँ पे उसकी आंख से आंसू आ जाते हैं, कहता है कि भाई मुझे माफ करना, मैं प्रॉमिस नहीं निभा पाया, मैं तुम्हें सॉरी नहीं बोल पाया, मैं तुम्हारे जितना पावरफुल नहीं बन पाया, मैं अपनी ब्रीदिंग टेक्निक भी यूज नहीं कर पाया, मेरे पास कोई भी टैलेंट नहीं है। जहाँ पे फिर हमें दिखाया था कि गैनिया के माइंड में उसके बड़े भाई की इमेज आती है, जहाँ पे उसका बड़ा भाई उसको कह रहा है कि तुम जैसा धीमा मेरा भाई नहीं हो सकता, डीमन स्लेयर कॉर्प को तुम यहीं से छोड़ दो। फिर अपना गैनिया रोते रियलाइज करता है कि क्यों, मैं भी तो इसका भाई हूँ, क्या मुझे हार जाना चाहिए, क्या मुझे क्विट कर देना चाहिए। तभी गैनिया को आवाज आती है तांजीरो की, जहाँ पे तांजीरो काफी तेजी में चिल्लाता है उसका नाम, एंड वो कहती है वो जो है सेकिटो को हाथ काट देता है, एंड गैनिया की जो गर्दन होती है बच जाती है। उसके बाद अपना जो तांजीरो होता है वो उसको कहते हैं कि जाओ और इस बार तुम लोग ट्राई करना, तुमसे पक्का होगा। जहाँ पे अपना तांजीरो जो होता है गैनिया को कहते हैं कि तुम्हें हाशिरा बनना है ना गैनिया, जाओ। तभी वो रियलाइज करते कि पीछे से जो अजीत्सु था ना पियर लेके तांजीरो पे हमला करता है, जहाँ पे तांजीरो कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा गलत हो गया। तभी तांजीरो रियलाइज करता है कि अरे उसको तो कुछ हुआ ही नहीं। जहाँ पे गाय सबसे इमोशनल सीन दिखाया जाता है, हम देख पाते कि जो वार था गैनिया ने अपनी बॉडी में ले लिया, गैनिया की बॉडी में हर जगह काफी सारे छेद हो चुके हैं, उसकी बॉडी में से खून निकल रहा है। एंड वो कहते हैं कि मैं ऐसे मरना पसंद करूंगा लेकिन अपनी गर्दन कटा के कभी मरना पसंद नहीं करूंगा। एंड फिर अपने तांजीरो को कहते हैं कि तांजीरो आखिरी बार होगा जो मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ, जाओ उसको मार के आओ, तब तक मैं इसको संभालता हूँ। तांजीरो वहां से जाता है, कहता है कि मुझे करना ही होगा, मुझे किसी भी हाथ में करना ही होगा। वहां से तांजीरो भागते हुए देख पाते जो छोटा डीमन है वहां पे भाग रहा है। तभी तांजीरो उसके पास आता है, कहता है कि चाहे कुछ हो जाए मैं करके दिखाऊंगा। उसके बाद वो रेडी होता है, अपनी शॉट से उसको मारने वाला होता है, उसकी शॉट में एकदम आग निकल जाती है, जैसे ही हमला करने वाला होता है उसी के साथ गाइस हमारा जो एपिसोड होता है यहीं पे खत्म हो जाता है। यार लिटरली ये जो एंडिंग पार्ट था ना, मुझे लगा कि भाई ये शायद एपिसोड ही आधा है, लेकिन जब मैंने हर जगह देखा तो इतना ही एपिसोड। तो यार डीमन स्लेयर का एपिसोड नंबर 6 का हिंदी एक्सप्लेन यहीं पे खत्म होता है। इसके और हिंदी एक्सप्लेन वीडियोस के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन
अपडेट्स मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, बाकी इंस्टाग्राम पे हो तो मुझे फॉलो कर देना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा। और इस वीडियो को शेयर करो अपने सारे एनिमे फ्रेंड्स के साथ या एनिमे ग्रुप में भी। और एक और बात यार, वीडियो थोड़ा बहुत डिले हो सकती है इस पूरे मई में क्योंकि मेरा एग्जाम चल रहा है, बट मैं कोशिश करूंगा तो मैं टाइम टू टाइम जल्दी ला के देने की। तो बस यार आज के लिए इतना, मिलते हैं सभी से एक और नई वीडियो में एक और नए हिंदी एक्सप्लेन वीडियो के साथ। तब तक लेट्स लर्न योर हिंदी, साइनिंग ऑफ, नमस्ते।